अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मैं ये बात करता हूँ कंडक्टर की, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया, सेमीकंडक्टर छोड़ दो, प्योर कंडक्टर की बात करो, जिसको ओहमिक कंडक्टर बोलते थे। तो ओहमिक कंडक्टर या प्योर कंडक्टर क्या होते थे, अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ती थी, रेजिस्टिविटी बढ़ती थी, कंडक्टिविटी घटती थी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टिविटी तो कम होगी होगी, पर सेमीकंडक्टर का ये बिहेवियर नहीं है। सेमीकंडक्टर में तो उल्टा फायदा है, आप उसको धूप में रखोगे, टेम्परेचर रूम का इंक्रीज करोगे, तो उसके लाखों सिलिकॉन सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स के वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, दे आर फ्री टू मूव। हल्की सी आप एनर्जी दोगे रूम टेम्परेचर से ऊपर तो आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस से सीधा कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में दे आर फ्री टू मूव। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइन लगी पड़ी है, लाखों करोड़ों एटम्स ही एटम्स हैं सिलिकॉन के, लाखों इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, लाखों होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट हो गए। इससे तो मतलब क्या हुआ, आप हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन एंड होल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी घटेगी नहीं, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। उल्टा बिहेवियर, उल्टा अच्छा है, हम तभी तो सोलर पैनल धूप में रखते हैं, हम चाहते हैं बॉन्ड टूटते रहे टूटते रहे टूटते रहे और फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होते रहे, फ्री होल्स जनरेट हो जाए वैलेंस बैंड में, इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जबकि कंडक्टर में होल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा कंडक्टर को आप धूप में रखेंगे, तो उल्टा नुकसान हो रहा है, उल्टा रेजिस्टेंस उसकी बढ़ रही है। इसमें उल्टा है, इसमें रेजिस्टेंस घट रही है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेरी कंडक्टिविटी घटेगी नहीं, उल्टा बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या पॉइंट क्लियर है? और मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब कितना फ्री है कोई इलेक्ट्रॉन या होल मूव करने के लिए। अब इतना ही अगर मेला लगा के बैठ जाओगे इलेक्ट्रॉन और होल्स का, तो मोबिलिटी कहां से मिलेगी तुम्हें, इतनी भीड़ में चले जाओगे तो मूव करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। भीड़ तो इकट्ठी कर ली पर मूवमेंट थोड़ी ना होगी, मोबिलिटी घट जाएगी। मोबिलिटी घटती है, मूवमेंट थोड़ी सी घटती है, पर प्रॉब्लम यह है कि मूवमेंट घटने से ऐसा लगता है कि आपकी कंडक्टिविटी भी घटेगी। बिल्कुल घटती है, मूवमेंट घटने से कंडक्टिविटी घटती है, पर इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पैदा हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से कि उनकी कंडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ती है, इंक्रीज ही माना जाता है। चाहे वो मूव ना कर पा रहे हो या स्लो मूव कर पा रहे हो, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो पेपर में क्या आएगा, पेपर में ये आएगा कि बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। पूछेगा ऐसा क्यों होता है, फिर आप उसमें लिख देना, क्या लिखेंगे, फिर आप उसमें ये लिख देना, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अभी सुन लो बाद में लिखवाता हूं, द एवरेज एनर्जी एक्सचेंज इन द कोलिजन इंक्रीजेस। वो कह रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उसमें कोलिजन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कंडक्टर में भी होती थी। मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस द गैप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गैप को क्रॉस कर जाते हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे टेम्परेचर से, इट कैन बी शोन दैट नंबर वो कितने बढ़ेंगे टेम्परेचर से, कितने बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटली हम कर सकते हैं प्रूफ, या ये प्रूव्ड है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस फंक्शन के प्रोपोर्शनल है, यानी कि टी फॉर टेम्परेचर रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंट रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब सेमीकंडक्टर का बैंड एनर्जी गैप, डेल्टा ई फॉरवर्ड एनर्जी गैप डिवाइडेड बाई 2 times बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आता नहीं है पूछने को, हाँ इसकी देख लो एक बार, टेम्परेचर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और ऐसा कुछ प्रोपोर्शनल होते हैं। अब वो कह रहा है द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिजल्ट इन इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और डिक्रीज इन द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी घट जाती है। पर एट द सेम टाइम एक अपोजिंग बिहेवियर भी है, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब ज्यादा पैदा हो जाते हैं, वो क्या कि इससे थर्मल कोलिजन बढ़ जाती हैं, टक्करें बढ़ जाती हैं।
ड्रिफ्ट स्पीड एंड हैंस मोबिलिटी डिक्रीजेज, कह रहा है कि मूवमेंट हो ही नहीं पाती टक्कर होने से, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी घट जाती है, तो ड्रिफ्ट स्पीड घटती है तो करंट भी घट जाता है, कंडक्टिविटी भी घट जाती है और मोबिलिटी भी घट जाती है, मूव तो कर नहीं पा रहे। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस केस में अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में चार्ज कैरियर हैं और ये इलेक्ट्रॉन एंड होल चार्ज कैरियर है जो चार्ज को कैरी करते हैं। वो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग द नंबर, द अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज मच मोर प्रोमिनेंट देन द अफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द ड्रिफ्ट स्पीड। कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा रिलीज होने से कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, पर उनकी मूवमेंट डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी घट रही थी, लेकिन ओवरऑल अफेक्ट इंक्रीज की तरफ ही जाता है, तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका इसका जो है अफेक्ट है, और मेरे ख्याल से ये ऊपर थ्योरी में लिख भी रखा है, आपने वैसे अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसके प्रपोर्शनल है, बाकी तो पता ही है क्या लिखना है इसमें, तो बुकलेट में लिखना है, फॉर्मूला नोट कर सकते हैं।